सो फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात करते हैं एमसीयू की तरफ से की गई इस साल की स्लेट्स की अपडेट की, जिसे रिपोर्ट डायरेक्ट वालो की तरफ से किया गया है कि इस साल हमें एमसीयू नहीं बल्कि मार्वल के कंटेंट टोटल 11 देखने मिलेंगे, जिसमें सोनी की तरफ से मॉर्बियस और एनिमेटेड स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स फिल्म है, जिन्हें मिलाकर ही मार्वल के पूरे 11 कंटेंट इस साल की रिलीज में है। और अगर उन्हें क्विकली रिवाइज किया जाए तो इस साल की शुरुआत मून नाइट की सीरीज से होगी, जिसके बाद मॉर्बियस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, शी हल्क, थॉर लव एंड थंडर, मिस मार्वल, आई एम ग्रूट और अगेन स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स फिल्म भी है, और उसके बाद वेयरवुल्फ बाय द नाइट, जिसके बाद आती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म, और इस साल को खत्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल करेगी। और अगर आप दो और कंटेंट को ढूंढ रहे हो, जिसकी अभी कुछ ही दिन पहले जापानीज के मार्वल ट्विटर हैंडल से कंफर्मेशन दी गई थी कि व्हाट इफ का सीजन 2 और सीक्रेट इन्वेंशन भी इस साल के लिस्ट में है, जो कि अनफॉर्चुनेट अगेन डायरेक्ट वालों की तरफ से इस साल की स्लेट में बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया है, यानी कि इन 11 कंटेंट के अलावा बाकी दूसरा कोई भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स एमसीयू की तरफ से फिलहाल तो इस साल रिलीज नहीं किए जाएंगे, जिनकी गिनती भी कम नहीं है। जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।